عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. यहाँ एक बहन का सवाल है कि शादी घर और जिन हालों में सालगिरह मनाई जाती हैं, क्या इनके कारोबार सही हैं? शादी घर में डांस के लिए स्टेज बनाए जाते हैं और सालगिरह सुन्नत से साबित नहीं है, तो किसी मुसलमान का ख़ुद बुराई करना या दूसरे मुसलमान को बुराई करने के ज़रिए की सहूलत देना जायज़ है? जबकि हम सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कि हर बुराई का इंतकाब करूँ, या उसको किसी दूसरे मुसलमान की तरफ खींच कर ले कर जाऊँ। देखिए, वाज़े है, अल्लाह ताला ने क़ुरान पाक के अंदर एक उसूल बता दिया है, तआवनु अलल बिर्र व तक्वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उदवान, अलल इस्मी वल उदवान सूरह मायदा की आयत है कि नेकी और तक्वा के काम में तो एक दूसरे का तआवन करो, लेकिन मासियत गुनाह सरकशी के कामों में दूसरे का तआवुन न करो। इसलिए जो शादी हाल खोल कर जो कमाई की जाती है और हर एक को उसके किराए पर दिया जाता है, हर एक को, चाहे वो नाच गाने की महफिल कायम करे, चाहे बिदआत व खुराफात की महफिल कायम करे, हर एक के लिए, मुसलमान की शादी हो या गैर मुस्लिम की शादी हो, सब के लिए शादी हाल खुला रहता है। तो ये ताउन अलल इस्म वल उदवान भी होता है। आप शादियों में जो मुनकरात अंजाम दी जाती हैं, जो नाच गाने हैं, जो बेहयाई है, जो है मर्दों और औरतों का बन संवर कर इख्तलात आपस में शादी हालों के अंदर होता है, इसी तरीके से जो आपने इशारा किया कि वो सालगिरह की महफिलें भी वहाँ कायम की जाती हैं, तो ये तआवुन अलल इस्म वल उदवान है, ये सरकशी और गुनाह के काम में तआवुन है, ये किसी तरह रवा और जायज़ नहीं है, ऐसी कमाई हलाल नहीं हो सकती है। तो ये शादी हाल वगैरह खोलना ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान इल्तिज़ाम नहीं कर पाता, कमाई के चक्कर में हर काम करने के लिए तैयार, सबको किराए पर देना है, उससे सरोकार ही नहीं कि इसमें क्या करेंगे। तो इसलिए शादी हाल खोलना सिरे से सही नहीं है, क्योंकि इस जो है सही मौके पर कायम रहना ये मुमकिन नहीं रहा है, लोगों के अंदर इतना तकवा नहीं रहा है, या इतना आपको होल्ड नहीं हासिल है कि आप शादी करने वालों पर या महफिल कायम करने वालों पर आप पाबंदी लगा सकें कि ये नहीं कर सकते। इतनी पाबंदी कोई नहीं करेगा और फिर आप की दुकानदारी फिर ठप पड़ जाएगी, नहीं चलेगी, जो है खाली रहेगा आपका हाल, क्योंकि अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है। लिहाजा ये धंधा ही गलत है, इससे एतराज़ करना चाहिए लोगों को जिसके अंदर हराम की आमेजिश, क्योंकि हराम की आमेजिश हुई तो फिर तबाही बर्बादी है। तो ये इस्म और उदवान, गुनाह और सरकशी पर तआवुन है, इस तरह के जो है मौके लोगों के लिए फराहम करना, न हम खुद बुराई कर सकते हैं और न दूसरों के लिए बुराई के मौके फराहम कर सकते हैं, न बुराई करना जायज़ है न बुराई करवाना और उसके मौके फराहम करना जायज़ है। इसलिए जो है ये शादी हाल वगैरह के अंदर जो कुछ खुराफात होती हैं उसके लिए शादी हाल को किराए पर देना ये जायज़ नहीं है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही वसल्लम।